आग, हवा और पानी से सबने बचकर रहना चाहिए। यदि इनके चपेट में जो भी आए उनका भारी नुकसान होता है। ऐसी ही एक घटना नरखेड़ के वार्ड नंबर 4 में हुई है, जहां रात के 12 बजे के दरमियान अचानक आग लगने से आग ने पूरे घर को अपने आगोश में ले लिया। इस आग में कोई भी जीवित हानि नहीं हुई है, लेकिन घर का सारा सामान बुरी तरह जलकर खाक हो चुका है। इस आग में लाखों का नुकसान होने का अंदेशा है। आखिरकार कैसे लगी ये आग और रात भर इस आग को नियंत्रित करने के लिए गांव वालों को क्या क्या करना पड़ा, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता संजय मिरे इनकी स्पेशल रिपोर्ट नरखेड़ के वार्ड नंबर 4 से, पीड़िताओं को कब मिलेगा न्याय में। आए दिन मकानों में आग लगने की घटनाओं में काफी इजाफा हो रहा है। ऐसी एक आग लगने की घटना नरखेड़ गांव में वार्ड नंबर 4 में लगी हुई थी। इस घटना में कोई जीवित हानि नहीं हुई, लेकिन आग के लपटों में घर में रखा सारा सामान धू धू कर जलकर खाक हो गया है। नरखेड़ गांव के नागरिक रात को अपने घर में आराम फरमा रहे थे। हर कोई दिन भर की थकान की वजह से सो रहे थे। रात करीब 12 बजे के दौरान नरखेड़ के वार्ड नंबर 4 में रहने वाली गीता गजानन ठोमरे के घर में अचानक आग लगी। आग इतनी तेज थी कि कुछ समझ पाते आग की लपटें ऊपर की दिशा में उठ रही थी। धू-धू कर आग की आगोश में पूरा घर समा रहा था। ऐसे में आग जल रही कपास की गद्दी की वो परिसर में फैल गई थी। बास कहां से आ रही है ये जानने के लिए कुछ गांव के लोग जागे। तब उन्होंने देखा कि गीता गजानन ढोमरे के घर को आग लगी है। इसकी जानकारी गांव वालों ने हर किसी को दी। देखते ही देखते लोग वहां पहुंचे। पूरी बस्ती में इस आग से खलबली मची हुई थी। आग को बुझाने के लिए गांव वालों ने काफी सहयोग किया। इस आग की घटना की जानकारी गांव वालों ने पुलिस को दी। दर्शकों, इस समय में बीसीएन की टीम बेलूना के उस वार्ड नंबर 1 में है, जहां पे परसों की रात में शॉर्ट सर्किट से एक बहुत ही भयंकर तरीके से एक आग लग गई। उस अंगार में न जाने कितना का नुकसान हुआ है। ये सब बातें हम आपको पल पल की जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको थोड़ा ये बता दें कि इस समय बेलूना गांव के वार्ड नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उस आग में जो पूरी तरह से जल चुके ऐसे कई बेड के ऊपर में रखी गई गादियाँ हैं, रजाइयाँ हैं, ये पूरी तरह से जल चुकी है। और थोड़ा आप प्यान करके यहाँ दिखा सकते हैं कि देखिए किस तरह से यहाँ पे एक मकान जो है, एक पुराने तरीके का एक मकान जो कवेलू से और लकड़ों से बना हुआ है, ये मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। और ये वही स्ट्रीट लाइट का पोल है जहाँ से यहाँ पर एक लाइन बिछाई गई थी, ये वही पोल है। और इसी लकड़ी के इस पोल पर से एक इलेक्ट्रिक का वायर गया था और स्ट्रीट लाइट के ऊपर से कुछ स्पार्किंग हुई। स्पार्किंग के चलते वो वायर सीधा यहाँ पे एक आटा चक्की भी है और उस चक्की के वायर को टच हुआ और जिसके चलते आग धू धू कर जल उठी और इस आग में काफ़ी नुकसान हुआ है। आइए अब हम सीधा रुक करना चाहेंगे उन लोगों के और उन्हीं से जानना चाहेंगे जो यहाँ के पीड़ित है। सर आप बताइए कि ये किस तरह की घटना हुई है। मेरा नाम गजानन मारुद्र ठोमरे है, मैं बेलोना गाँव का रहने वाला हूँ। यहाँ मेरे घर में रात 12-2 को रात में 11:30 के बाद बीच में अंगार कैसी लगी ये किसी को मालूम नहीं, सोए थे हम। अचानक लगने के बाद कुछ देर के बाद अंगार चालू हो गए, बड़े बड़े आवाज़ होने लगे, कवेलू गिरने लगे। जब मेरे को जाग आई गई, मैं उठते दिख गया तो पूरे घर को अंगार लग गई थी। फिर हम बाहर निकले, कैसे तरी जान बचा कर निकले और लोगों को चिल्ला कर बुलाए। सब मोहल्ले वाले ने, गाँव वाले ने मदद की बुझाने की, लेकिन बुझ नहीं सका। कोई बच्चों ने फायर ब्रिगेड को बुलाया, पुलिस को बुलाया, एम्बुलेंस को बुलाया, सब लड़कों ने मदद करके सबको बुलाया, लेकिन कामयाब नहीं हुए। अब क्या कहना चाहिए, कितना नुकसान हुआ है, क्या कहना हुआ? सर माझं नुकसान पुष्कळ झालं सर, सगळं गाद्या दुलिया टीवी कूलर पंखा कपाट सगळं जे वस्तू आहे स्वयंपाकाच्या सगळ्या वस्तू गेल्या सर, काही नाही राहिला। आणि मी एकटीच राहते, माझं घर म्हणजे दोन घर आहे, दोन पत्न्या यांना मी एकटीच राहते, मी माझी कमाई करते, कमाई करू करू मी सत्व स्वतः एक एक वस्तू जमवली सर। अंगणवाडीचा रेकॉर्ड भी जळला, बचत गटाचा भी रेकॉर्ड जळला सर, कॅश पण मी बचत गटासाठी पैसे म्हणजे परतफेड करण्यासाठी जमवलेले पैसे 1.25 लाख रुपये माझे गेले आहे सर। एक एक पैसा जमा करून एवढा कलस्टीनं मी पूर्ण
मेहनत करू करू जमवले आणि ते एक काही राहिले नाही सर, सगळं आम्ही आता बस हेच झालो। तो गीताबाई गजानराव ठोंबरे इन्होंने ये कहा कि किस तरह से इस घटना में काफ़ी नुकसान हुआ है, और भी कुछ महिलाएं, आप क्या कहना चाहोगी कितना नुकसान हुआ है? माझं काहीच नाही वाचलं सर, तुम्ही आत्मनिजालाम पाहून घ्या, माझे एक खा पोटापुरते भी काही नाही राहिलं। अब आप क्या चाहती हो? काय चाहती हो? मदत मिळाली पाहिजे, काहीच नाही राहिलं सर। बिल्कुल, जिस तरह से इन लोगों ने कहा है, आप कोई भी रोना नहीं, क्योंकि BCN टीम यहाँ पे आई हुई है और आप लोगों की ये जो घटना जो हुई है प्रशासन तक शासन तक पहुँचाने के लिए हम पुरजोर कोशिश करने वाले हैं। आइए, आखिरकार उस रात में जो भीषण आग लगी थी, आखिरकार उस आग को कैसे कंट्रोल किया गया? सर आप बताइए क्या चल रहा था उस रात को, आपको कैसे पता चला और किस तरह कितने दमकल विभाग की गाड़ियाँ आई और किस तरह से आग पर काबू पाया गया? सर मेरा नाम सुशील है, मैं इमरजेंसी मेडिकल सर्विस यानी 108 एम्बुलेंस का पायलट हूँ। मेरी ड्यूटी है मेंडला में। उस दिन मुझे रात में 11:30-12 बजे के तकरीबन एक कॉल आया 108 से कि बेलोना गांव में आग लगी है और मास कैजुअल्टी है। तो इस वजह से हमारी नरखेड़की, जलालखेड़ा की और मेरी मेंडला की 3 गाड़ी असाइन हुई। यहाँ मैं जब पहुँचा तो आग भयंकर रौद्र रूप में थी और एक दमकल विभाग की गाड़ी यानी जो जिसको अपन फायर ब्रिगेड बोलते वो यहाँ आग बुझाने का काम कर रही थी और गांव वाले भी यहाँ पे थे। बहुत सारे गांव वालों ने अपने जान पे खेलकर इस आग को बुझाने की कोशिश की। अगर ये आग न बुझती तो सारा का सारा मोहल्ला ध्वस्त हो जाता, क्योंकि हमारी बस्ती बिल्कुल लग लग के है। तो इस प्रकार ये घटना हुई और मैं जब अपने आँखों से देखा तो इनका कुछ भी नहीं बचा था, पूरा उनका नुकसान हो गया था। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुशील डफरे है। तो सुशील डफरे, जैसे कई नौजवान साथी उस दिन यहाँ पे मौजूद थे, जैसे उन्हें कॉल आया वे लोग दौड़ते हुए आए और गांव वालों ने यहाँ पे अपनी तरह से इस आग को नियंत्रित करने के लिए हर संभव कोशिश किया, लेकिन वे कामयाब नहीं रहे। आखिरकार मोड़ और बेलोना से 2 दमकल विभाग की गाड़ियाँ घटनास्थल पर आना पड़ा, क्योंकि उन्हें बताया गया, मोड़ पुलिस भी साथ में थी, जिसके चलते आग पे तो कंट्रोल किया गया, लेकिन अफसोस कि इस घटना में पूरी तरह से जान माल का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, मगर खान पान की चीज़ें हो या घर में रखे साहित्य हो, चाहे कैश हो, सोना चांदी हो या अनाज हो या फिर ऐसे टीवी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, ये देख सकते हैं आप। अब थोड़ा मैं अपने कैमरा पर्सन मोनू से कहना चाहूँगा कि थोड़ा पैन करके एक नज़ारा बताइए आप, कि देखिए किस तरह से यहाँ पे दीवार ढहने की कगार पे है और पूरे तरह से यहाँ पे एक सन्नाटा सा छाया हुआ है और बहुत ही दर्दनाक ये हादसा हुआ है। इस तरह के हादसे अक्सर होते रहते हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन, ये तो खैर एक बात का विषय। आप देख सकते हैं कि देखिए ये वही मकान था जहाँ से आपको लकड़े जलते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो जो अनाज जिसमें स्टोर करते ऐसी पेटियाँ अनाज की वहाँ रखी गई है, वो भी पूरी तरह से धू कर जलकर खाक हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ लोगों की जान बची मगर घर का साहित्य पूरी तरह से जलकर नष्ट हुआ है। इसमें काफ़ी बड़ा नुकसान भी हुआ है, ये एक माला। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि आप दिखाएंगे हम, देखिए ये जो पुरानी ज़माने की जो जिसको मयाल कहते हैं, लकड़ी का ये स्ट्रक्चर होता है, काफ़ी मजबूत होता है, स्ट्रक्चर वही है लेकिन पूरी तरह से जल चुका है, कोयला हुआ है। और भी आप थोड़ा सा इधर पैन करके देखिए क्या नज़ारा है। मैं जिस लोहे की अलमारी की बात कर रहा था, उन लोगों ने जो बताया था कि ये वही अलमारी है, धू कर जल उठी और इसके अंदर कई जो बचत गट की जो एक मतलब जिसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता, वो पूरे कागजात भी जल गए, कैश थी वो भी पूरी तरह से जल गई इस इतनी भीषण आग और उससे हुआ। ये देखिए दीवान, आप देख सकते कि किस तरह से पूरी तरह से कोयले में तब्दील हो चुका है और जिधर भी हमारी नज़र जाती उधर सन्नाटा ही सन्नाटा नज़र आ रहा है। और इस तरह से ये जो घटना हुई है अपने आप में एक है। अब देखना ये होगा क्या शासन प्रशासन हो या यहाँ के जो आला अधिकारी हो, वो किस हद तक इन लोगों को सुविधाएं देते हैं, क्या मदद करते हैं, एक देखने वाली बात होगी।
और दमकल विभाग को भी इसकी जानकारी दी। घटना स्थल पर देरी से दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची, तब तक सब जलकर राख हो गया था। जैसे तैसे दमकल विभाग ने अच्छी कोशिश करते हुए आग पर अंकुश लगाकर उसे नियंत्रित किया, लेकिन इस आग में घर के बर्तन, अलमारी, गद्दिया और अनाज की रखी सभी पेटियां आग में जलकर राख हुई। इतना ही नहीं तो मकान की कवेलू और लकड़ी की बल्लियां भी जलकर कोयला हुई। जिधर भी हमारी नजर जाती हर तरफ सन्नाटा सा छाया हुआ था। इस आग से ठोमरे परिवार का काफी नुकसान हुआ। प्रशासन ने तत्काल मदद करी, ऐसी गुहार ठोमरे परिवार ने BCN समक्ष की है। हमारे साथ में यहाँ पे योगिता ठोमरे भी है, उनसे भी जानना चाहेंगे। योगिता, आप बताइए कि किस तरह से हादसा हुआ था, तब आप कहाँ थी, क्या कहना चाहूंगी, कितना नुकसान हुआ है और अब आप क्या कहना, क्या सरकार से या प्रशासन से? हम आए तो कुछ भी नहीं दिखा यहाँ पे, और सब नुकसान हो गया हमारा, कूलर, टीवी, कपाट, फ्रिज, सब मतलब कुछ भी नहीं रहा, बर्तन, गादी, दूलिए सब खत्म हो गया। तो सर मैं भी चाहती हूँ मेरी मम्मी को सपोर्ट मिले, मेरे पैसे जो भी गए नुकसान है उसका भरपाई का नुकसान मिले। आखिरकार ठोमरे परिवार को किस तरह से मदद मिलेंगी, ये एक देखने वाली बात होगी। इस ओर शासन प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए, तहसील के आला अधिकारियों ने ध्यान देना चाहिए, इस परिसर के आमदार जो है, विधायक है, उन्होंने ध्यान देना चाहिए। और जिस तरह से इनका जो भारी भरकम नुकसान हुआ है, आज उनके पास खाने के लिए दाना तक नहीं है, दाने दाने के लिए वे लोग तरस रहे हैं। और जिस तरह से ये घटना हुई, अब तक के कोई संस्था या कोई आला अधिकारी या कोई ऐसे नेतागण यहाँ पे नहीं आए हुए हैं, यह एक दुर्भाग्य है। आखिरकार इन ठोमरे परिवार को कब मदद मिलेंगी, इस न्याय के प्रतीक्षा में वे लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इन्हें न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी सबको जीने का अधिकार है। कोई अंधेरे में है, कोई उजाले में है, मगर जिस प्रकार से यह आँख की जो घटना हुई है, इससे तो इनका पूरा जीवन ही अंधकार हो चुका है। अब देखना यह होगा कि कौन इनके जीवन में रोशनी करता है और लोकतंत्र में जीने वाले लोगों के लिए कौन न्याय देता है। बेलोना के वार्ड नंबर 1 से कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ संजय मीरा, BCN न्यूज़ नागपुर।